नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं। ऐसी ही एक जनजाति हुंजा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ों स्थित हुंजा घाटी में पाई जाती है। ये घाटी भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पास पड़ती है। इसे युवाओं का नखलिस्तान भी कहा जाता है। हुंजा घाटी के लोगों की औसत उम्र 110 से लेकर 120 साल तक होती है। इस जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और जवान दिखते हैं, खासकर औरतें जो कि 60 साल तक जवान रहती हैं और वे इस उम्र में भी संतान को जन्म दे सकती हैं। हुंजा घाटी हिमालय की पर्वतमाला पर स्थित है। इसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। हुंजा जनजाति की जनसंख्या लगभग 87,000 है। यह जनजाति और इनकी जीवन शैली सैकड़ों साल पुरानी है। हुंजा जनजाति के लोग बिना किसी समस्या के कई सालों तक जीवित रहते हैं। कहते हैं कि इनमें से कई लोग तो 150 साल तक जिंदा रहते हैं। हुंजा जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारी का तो उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना। इनकी खूबसूरती और जीवन का राज इनकी जीवन शैली में छुपा हुआ है। हुंजा के लोग शून्य से भी नीचे के तापमान पर बर्फ के ठंडे पानी में नहाते हैं। ये लोग वही खाना खाते हैं जो ये खुद उगाते हैं, जैसे कि खूमानी, मेवे, सब्जियां और अनाज में जौ, बाजरा और कूटू। ये कम खाते हैं और पैदल ज़्यादा चलते हैं। रोज़ाना 15 से 20 किलोमीटर तक चलना और टहलना इनकी जीवन शैली में शामिल होता है। साथ ही साथ हंसना भी इनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। हुंजा कम्युनिटी के लोग फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये लोग मांस बहुत कम खाते हैं, किसी खास मौके पर ही मांस पकाया जाता है। इस जनजाति के लोगों को बुरशो भी कहते हैं। इनकी भाषा बुरुशास्की है। कहा जाता है कि ये जनजाति अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं, जो कि 4वीं सदी में यहाँ आए थे। हुंजा घाटी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंदीदा टूरिस्ट जगहों में से एक है। दुनिया भर के लोग यहाँ की पहाड़ों में छुपी खूबसूरती देखने आते हैं। इस जनजाति पर कई लोग किताबें भी लिख चुके हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।